नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। लास्ट टाइम हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। इसी तरह ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे एक लैंडमार्क था क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे UNFFC जब फॉर्म हुआ था, अर्थ समिट थी 1992 की रियो डी जेनेरो में, वहाँ तो बन गया, लेकिन अभी तक तो प्रोविजन बनी रहे, उसको ऑपरेशनलाइज करने का टाइम भी तो एक आना ही था कि भाई कभी तो लागू होगा, कुछ तो बनाओ इसमें कि कैसे लागू करना, विश्व में कैसे लेके जाना है, कैसे हम लोगों से पालन करवाएंगे। तो एक ऑपरेशनलाइज करने का, मूर्त रूप देने का जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्योटो प्रोटोकॉल को दी गई थी, क्योटो में समिट को दी गई थी। COP जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था क्योटो में, उसने क्योटो प्रोटोकॉल, वहाँ पे जो प्रोविजंस लाए वो लोग, कि विश्व में हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन कंटेन करेंगे, तो उसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। चलिए देखते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है। देखिए, एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी में या ऑर्गेनाइजेशन में। आप ऐसे ही नहीं कोई चीज़ें कर लेते। वहाँ पर क्या है, आपको कोई एप्लीकेशन होगी तो 5 क्लर्क के पास जाएगी, फिर जाके सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, फिर वो किसी के रिमार्क्स लिखने के लिए किसी और क्लर्क के पास भेजेगा। तो इस तरीके से एक सीन सेट है पूरा कि कैसे एक एप्लीकेशन मूव होगी। उसी तरह गवर्नमेंट भी का काम करने का तरीका भी बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड होता है। प्रोटोकॉल हो कहते हैं उस तरीके को, रूल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल वर्ड आपने कहाँ पर देखा होगा, और अपने कंप्यूटर में भी या डेटा में भी वो प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक विजिट्स होती हैं, उसमें कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल ब्रीच करते हुए उनको जाके एयरपोर्ट से रिसीव किया। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से उनको नहीं रिसीव करना है प्रोटोकॉल में, गवर्नमेंट के उनको ऑफिशियल रिसीव करके लाएंगे, उनसे अपने रेजिडेंस या ऑफिस में मिलेंगे। ऐसा कोई मतलब प्रोटोकॉल सेट किया हुआ, लेकिन वो ब्रीच कर देते हैं, तो इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब सेट किया हुआ रूल, नमस्ते करना आके किसी भी गेस्ट को सामने, प्रोटोकॉल सेट है, हमारे कस्टम ने बोला भाई हमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है। या फिर किसी भी ट्रीटी का सबसे ओरिजिनल और पहला वर्जन उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, बाद में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। देखिए, रेटिफाइंग और साइनिंग ऑफ ट्रीटी में क्या फ़र्क है। देखिए, कोई ट्रीटी मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहले नेगोशिएट करते हैं लोग, एक टेबल पे बैठेंगे, बोलेंगे नहीं भाई ये ट्रीटी हमारे लिए सेट नहीं है, ये ट्रीटी में हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा लेवल ये करो, हमारे लिए थोड़ी छूट दो, हम डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हम ही थोड़ी एमिट कर रहे हैं, दुनिया एमिट कर रही है, सब पे ऑनर्स होना चाहिए, हम पे इतना ज़्यादा, वैसे अगर नेगोशिएट करेंगे लेवल पे लाएंगे, ये बात ठीक है, 100 नहीं 75 पे मान जाओ। तो अब एग्रीमेंट आ गया, ट्रीटी साइन हो गई, सबने एग्री कर लिया, सेकंड स्टेप में ट्रीटी साइन हो गई। अब देखिए, ट्रीटीज जो होती हैं पार्लियामेंट में, इनका एक क्या है, डोमेन है ट्रीटीज़ का, कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है, तुम्हें इतना फाइन भरना पड़ेगा। तुम्हें देश को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हम ये ट्रीटी साइन कर ली है, अगर हम नहीं करते हैं फॉलो तो हमें इतना फाइन भरना पड़ेगा, लोगों की जेब से पैसा जाएगा। तो ये सब प्रोविजंस को लागू करने के लिए ट्रीटी का एक एक्शन डोमेन में देश आ जा रहा है, ठीक है ना। एक तरह से आपकी सुप्रीमेसी में भी वो इंटरफेरेंस हो सकता है, तो वो लोगों को बताना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देता है तो रेटिफिकेशन हो जाएगा। अब ट्रीटी और उसके प्रोविजंस लीगली बाइंडिंग है स्टेट के लिए, अगर स्टेट उनको पालन नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल थर्ड था, COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, 2005 में आया एक्चुअल फोर्स में, 192 पार्टीज ने साइन किया, USA ने कभी साइन नहीं किया, 2012 में कनाडा ने विथड्रॉ कर लिया। गोल क्या है, देखिए गोल यही, ग्लोबल वार्मिंग हमें फाइट करनी है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब को रिड्यूस करना है, और इस लेवल तक जाने तक रोकना है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है, इंटरफेरेंस जो है क्लाइमेट सिस्टम में, इतना ना बढ़ जाए कि हम सब कुछ ही बर्बाद कर दें। सिंपल भाषा ये है इसकी। इसने कट करने की कितना सोची थी, 5% बाय 2012 तक, 1992 लेवल के जो लेवल्स थे उनके 5% तक कट करना था इसको। इसमें दूसरा पॉइंट है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी शेयर है, डेवलप कंट्री पर ज़्यादा ऑनर्स डाला गया है इसमें, ये तुम्हारी गलती ज़्यादा है।
It puts obligation to reduce current emissions on developed countries on the basis that they have historically responsible for the current level of greenhouse gases in the atmosphere. कि भाई तुमने ज़्यादा बर्बाद किया है, तुम ज़्यादा भरो. क्योटो प्रोटोकॉल के एमिशन टारगेट में कौन कौन सी गैसेस हैं? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और पर फ्लोरोकार्बन्स. देखिए मॉन्ट्रियल में मैंने डिस्कस किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हाइड्रोक्लोरोफार्बन लेके आए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेके आए, क्या अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेशन. वो इतनी भयानक ग्रीन हाउस गैस निकल गई कि उसको बोला गया किगाली में कि भाई उसको बंद करो. किगाली कॉन्फ्रेंस जो था उसमें मना किया गया, तो वो यहाँ पर भी बताया गया. अब ये लागू कैसे करता है, कि आपको लोगों को मोटिवेट करना है, एक मैकेनिज्म बनाना है कि भाई ऐसा मैकेनिज्म बनाना जो फ्लेक्सीबल हो, कि भाई लोग अपने आप ही पार्टिसिपेट करें और तब जाके रिडक्शन हो वहाँ पे. तो एक फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म इसने बनाया है. इसमें क्या किया है कि कंट्रीज बाउंड टू क्योटो टारगेट्स मीट हैव टू मीट देम लार्जली थ्रू डोमेस्टिक एक्शन. आपको डोमेस्टिक एक्शन एक लेना है तभी आप अपने क्योटो टारगेट्स, आपको गोल दिया गया है कि भाई आपके 1000 टन आप छोड़ते हो कार्बन, 950 करो इसको, ठीक है. दे कैन मीट पार्ट ऑफ द टारगेट्स थ्रू 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स. देखिए आपने क्या किया, टारगेट दे दिया, फिर उसको तरीका बताया कि भाई देखो अगर तुम्हें टारगेट अपना अचीव करना है कि तो भाई 100 यूनिट एमिट करनी है, अगर तुम्हें अचीव करना 3 तरीके हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग या जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. देखिए ये ऐसे है कि प्लस माइनस का खेल है, मैं अमेरिका हूँ. चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको, ये अच्छे से डिस्कस होगा अभी. अब CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या है, एक कंट्री जो है इट अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट, मतलब एमिशन को घटाने की, एमिशन रोकने की कमिटमेंट वाला कंट्री होगा, उसको क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको क्या करेगा वो एक डेवलपिंग कंट्री को पकड़ेगा, वहाँ पर एक एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट लगा देगा, बोले भाई तेरा NTPC हटा, कोयला छोड़, मैं तेरे को 1000 वाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाता हूँ. अब वहाँ जो उसने गेन किया, उनको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं, वो 1 टन ऑफ CO2 के बराबर उनको रखा जाता है, वो इतना कम हो जाएगा डेवलप कंट्री में से जितना वहाँ वो गेन करेगा, ठीक है. जितना ऐसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो गेन करेगा कार्बन क्रेडिट्स, वो उतना कम हो जाएगा इधर से, मतलब सोलर प्रोजेक्ट लगा दिए उसने, पावर प्रोजेक्ट लगा दिए, तो इससे कम हो जाएगा. और ये कार्बन क्रेडिट जो है अब ये दिखाएगा दुनिया को, देखो भाई कि मैंने कितना काम किया है इसको रिड्यूस करने की तरफ, क्योटो टारगेट को अचीव करने के लिए, कि मैंने दूसरे देश में लगा के कार्बन क्रेडिट जो है अचीव किए. देखिए डेवलप कंट्री ज़्यादा एमिट करते हैं और सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं को होता है कार्बन क्रेडिट्स का. वो क्या करते हैं, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी, और गेन कर लेते हैं क्या, कार्बन क्रेडिट्स, और बोलते हैं कि हमने भाई क्योटो प्रोटोकॉल का फॉलोइंग कर दिया विदाउट वायलेशन. अब कार्बन क्रेडिट क्या है, ये जो एमिशन ट्रेडिंग है उसका पार्ट है, इसको ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट भी बोलते हैं कार्बन का. एक कार्बन क्रेडिट होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ अटेम्प्ट टू मिटिगेट द ग्रोथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको मिटिगेट करना है, तो कार्बन क्रेडिट्स को उसी में रखा गया है, उसी तरीके में. ये करता क्या है, ये एक्चुअली एक तरह का गेन करना है, आप कितना स्टेप लिया आपने कार्बन को हटाने के लिए या ग्रीन हाउस गैस को हटाने के लिए, उसी के अनुसार आपको उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है. कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एफोरेस्टेशन. कैसे मिल सकते हैं, एफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे वापस लगा दिए भाई, जंगल वापस हरा भरा कर दिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की, विंड की, वाटर की, मीथेन कैप्चर, बाइंग फ्रॉम एक्सचेंज, कार्बन ट्रेडिंग, मतलब ऐसे भी कार्बन क्रेडिट खरीद भी सकते हैं हम. कार्बन ट्रेडिंग कैसा होता है कि एक्सचेंज जो एमिशन परमिट जहाँ बिकते हैं, ये मैंने गेन किए भाई, मैंने इतने पेड़ लगाए, मुझे दिया गया कि कार्बन तुम्हारा क्रेडिट ये लो, अब मुझे बेचना है कहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म यूज़ करूँगा. कंट्रीज जो है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसे रखा जाता है, USA बोले भाई मेरे पास 100 का क्वार्टर, मैंने 150 पूँग दी. इंडिया बोले मेरे पास 50 एक्स्ट्रा, बोले 50 बेच दें, तो
डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया की, उनको मिल रहा है ना कि हाँ यार हम ये कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। और ये बहुत सारे एक्सचेंजेस में ये ट्रेडिंग होती है इनकी, कार्बन क्रेडिट्स की या कार्बन बॉन्ड्स की। एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, जनरली डेवलप्ड कंट्रीज, टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ERU अर्न करते हैं वहाँ, कार्बन क्रेडिट नहीं है, ERU अर्न करेंगे किससे, एक एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, मतलब एमिशन को हटाने वाला प्रोजेक्ट। और कितने के बराबर है वो, 1 टन ऑफ CO2 के बराबर वाला प्रोजेक्ट का जो ERU है इज इक्वल टू 1 ERU, 1 टन ऑफ CO2, वो क्योटो टारगेट को घटाने में काम आएगा इसके। सिंपल है कि जॉइंट मैकेनिज्म है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, उससे ERU अर्न होंगे, और ERU कितने, 1 टन ऑफ CO2 के लिए दिए जाएंगे ताकि अपने क्योटो टारगेट में इसको रिड्यूस कर सके। देखिए जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री भी अर्न कार्बन क्रेडिट्स कॉल्ड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ये क्या करता है इसको या बेच डालता है, कहाँ कैसे, एक इन्होंने प्रोजेक्ट सेट किया, प्रोजेक्ट सेट करने से जो इनको ERUs मिले कि कितना रिड्यूस कर रहे हो भाई तुम, बोले भाई हम 50 टन कर रहे हैं, 50 कैरेट मिले, जाओ बेचो, इस तरीके से। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, सब कुछ डेवलप कंट्री पर डालने से थोड़ी हुआ, इंडिया चाइना जैसे देश, इन्होंने गदर फैला रखा है, इतना पोल्यूशन हो रखा है, तो इस तरह की अप्रोच लॉन्ग टर्म नहीं है। और धीरे धीरे जैसे अमेरिका विड्रॉ करना ही नहीं चाह रहा, साइन हुआ, सब यही कारण है सारे इसके, ठीक है। और अब देखिए, अब कंट्री अपने टारगेट कैसे अचीव कर रहा है कि दूसरे ने अर्न किया उसे खरीद लेता है, ये क्या तरीका हुआ, वो जगह तो बर्बाद हो जाएगी थोड़े दिनों में, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, मार्केट तुमने बना दिया, मार्केट का मिसयूज़ हो रहा है अभी। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच टू ग्लोबल वार्मिंग, अंडर शिफ्ट ईयर मैनी कंट्रीज वर अलाउड टू इंक्रीज पॉपुलेशन, वही बता दिए कि खूब धमाधम चल रहा है, बोले हम तो कार्बन क्रेडिट खरीद के बराबर कर देंगे। इसने एक्सक्लूड किया है चाइना इंडिया जैसे मोस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज को, और बोल रहा है कि नहीं सब डेवलप्ड नेशन का है, आंख मूंदने से कुछ नहीं होगा, धृतराष्ट्र बनने से क्या होगा, महाभारत तो फिर भी हो रही है। तो यही इसका क्रिटिसिज्म है कि इसके दो तीन प्रॉब्लम थे कि एक तो ये डेवलप कंट्रीज़ को खरीद लेता है वो, मतलब एक तरह से ये सही नहीं है, मिटिगेशन कहाँ कर रहा है वो तो खरीद के अपना बराबर कर दे रहा है। और एक कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज़ को पॉल्यूशन इंक्रीज करने की तरह से लाइसेंस ही दे दिया है, क्यों, इंडिया चाइना इनको कुछ बोला ही, सब डेवलप कंट्रीज, सब डेवलप कंट्रीज, तो ये एक प्रॉब्लम है। चलिए ये वीडियो ख़त्म हुआ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी डाउट हो इकोनॉमिक इकोलॉजी में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना कर दे दूँगा। चलिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।